हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आशी छाया में। और इस टाइम मैं शाम का टाइम है और ये दो पैकेट मेरे पास रखे हुए थे पॉपकॉर्न के, ये मैं बना रही हूँ जो रेडी टू ईट होते हैं। ये दो फ्लेवर है मेरे पास, सेम फ्लेवर नहीं थे मेरे पास, दो अलग अलग फ्लेवर हैं और ये दोनों ही अलग अलग फ्लेवर मैं एक साथ ही डाल के बनाऊँगी और जल्दी बन जाते हैं ये 5 मिनट में। चाय के साथ खाने में अच्छे लगते हैं, कभी कभी बच्चों को भी पसंद आते हैं और इस तरह की चीज़ें कभी कभी बना लेनी चाहिए घर पे। आप सब लोग में से कौन कौन बनाते हैं बताइएगा मुझे। और स्ट्रे डॉग के बारे में मुझे आपसे बात करनी थी। एक्चुअली बेला का जो था, बेला अब हमारे साथ नहीं है बट उसकी याद जो है नहीं जाती, बार बार याद आती है। मेरे पास उसका वो वीडियो मैंने शूट किया हुआ था जब हमने उसको अंतिम संस्कार उसका किया था बेला का, और उसमें हमने बच्चों को जो आसपास बच्चे इकट्ठे हो गए थे बेला को देखने के लिए, मिलने के लिए काफ़ी आए थे, उन सबको मैंने पार्ले जी भी बांटे थे क्योंकि बेला को पार्ले जी पसंद है, आप सबको पता है, मैंने आप सबको बताया भी था, दिखाया भी था। बेला के जो भाई बहन हैं अब वो 4 हैं, क्योंकि आपको पता है कि बेला चली गई है तो 5 थे, तो अब बेला चली गई है तो 4 बचे हैं। बेला के बिना बहुत अधूरा अधूरा सा लगता है। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे, ये हमारे पॉपकॉर्न रेडी हो रहे हैं और शाम का टाइम है। अब आप लोग बताइए आप लोग क्या बना रहे हैं किचन में। आज मैं बनाऊंगी दाल और साथ में भरवा शिमला मिर्च, वो भी मैं आपको अभी शिमला मिर्च का भी वीडियो दिखाऊंगी। सिंपल रेसिपी है, मैं कुछ ऐसा तामझाम नहीं करती हूँ बट वो सिंपल ही रेसिपी जो होती है, सिंपल जो खाना होता है वो भी बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि आजकल जो कंडीशन है उसमें क्या है कि ज़्यादा चटपटा स्पाइसी नहीं, अगर हम अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर है सबके लिए, बड़ों के लिए, बच्चों के लिए। और अभी मौसम भी नहीं है ज़्यादा स्पाइसी खाने का, गर्मी है। और जो बाकी बच्चे हैं बेला के, जो भाई बहन हैं, उनके पास भी मेरे को अभी जाना है। ये देखिए हमारे पॉपकॉर्न रेडी हो गए हैं, 2 तरह का फ्लेवर है ये, अभी रेडी हो गए हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। गरम गरम घर पे बने हुए होते हैं तो हाथ के हाथ खाने में सही रहते हैं, सिलते नहीं है, इनमें मॉइस्चर नहीं होता, क्रंची होते हैं काफ़ी, तो वर्थड है 10 रुपीज़ में। और ये मैंने बनाई है दाल, दाल के साथ ही मैं, मेरा ये है कि भाई मैं हमेशा दाल के साथ, अगर मुझे उबले हुए आलू चाहिए तो मैं दाल के साथ ही उनको बॉयल कर लेती हूँ, पोटैटो को, जैसे हमने चने की दाल बनाई है या हमने काली दाल बनाई है, माँ की दाल बनाई है, मोस्टली मैं दाल को, दाल के साथ ही आलू को अच्छे से वॉश करने के बाद मैं आलू उसमें बॉइल्ड कर लेती हूँ। तो क्या है कि हमारी गैस की भी बचत होती है और हमारा टाइम भी बचता है अगर हम दाल के साथ ही आलू को बॉइल करते हैं तो। क्या आप लोगों में से भी कोई ऐसे करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये देखिए मैं अब इसमें फोक से पोटैटो निकाल रही हूँ और ये क्या है कि एक बारी में हमारे 2 काम हो जाते हैं। अगर हमें थोड़े से आलू चाहिए, क्योंकि अगर सैलड में डालने हो या हमें सैंडविच बनाने हैं या शिमला मिर्च में भरवा शिमला मिर्च बनानी है तो पोटैटो चाहिए होते हैं उबले हुए, तो इससे क्या है कि हमारी दाल भी उबल जाती है और हमारे पोटैटो भी। अच्छे से वॉश करने के बाद आप इसको कुकर में डाल दीजिए, दाल के साथ साथ आपके आलू भी बॉयल्ड